हेलो गाइस, मैं हूँ अनिल एंड यू आर वाचिंग अनिल्स चैनल। एंड आज का जो ये वीडियो है काफ़ी खास एंड इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, खास मेरे लिए क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही केदारनाथ से जाके आया हूँ, और इन्फॉर्मेटिव आप सब लोगों के लिए जो कि लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का। मतलब बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो धाम्स हैं वहाँ पे लोग अक्सर विज़िट करते हैं, पूरे साल भर ही विज़िट करते हैं क्योंकि विंटर टाइम में वहाँ पे स्नो होता है और वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं देखना, और ऑल ओवर इंडिया से और इनफैक्ट फॉरेन से भी आके यहाँ पे लोग विज़िट करते हैं। तो उनका यही क्वेश्चंस उनके बहुत ज़्यादा होते हैं कि कैसे कैसे कहाँ क्या करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये जो वीडियो है, मैं अभी रिसेंटली केदारनाथ धाम जाके आया हूँ और वहाँ का है, तो वहाँ पे किस तरीके से एक्सपेंसेस कैसे हमें जाना पड़ा, क्या हमने अपने स्केड्यूल रखा वहाँ पे जाने का और किस तरीके से हम लोग गए हैं वहाँ पे, तो पूरा डिटेल में है। और आगे जो मैंने बल्कि स्लाइड्स भी दी है कि आगे वीडियो में स्टार्टिंग में स्लाइड्स दी है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े ढूंढने के लिए, तो उसमें हमारा टूर प्रोग्राम भी है किस तरीके से हमने मैनेज किया टूर प्रोग्राम अपना। हमारा बेसिकली 3 डेज का टूर प्रोग्राम था, तो हम केदारनाथ धाम जाके आए हैं। तो ये केदारनाथ धाम का वीडियो है, उसमें आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कितने किलोमीटर से कहाँ कहाँ हमने स्टे किया है और किस तरीके से हमने मैनेज किया है। तो आगे आप देखते रहिए क्योंकि केदारनाथ धाम जो है एक बेसिकली 4 धामों में से प्रमुख धाम है। इस धाम की बात करें केदारनाथ धाम की, तो यहाँ पे टूरिस्ट ऑल ओवर इंडिया से ही आते हैं, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज से भी विज़िट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक है वो अप्रॉक्स 21 to 22 किलोमीटर ट्रैक है और लोग काफ़ी जाना पसंद करते हैं यहाँ पे। ये ट्रैक काफ़ी लंबा भी है तो लोग एक्साइटेड रहते हैं, इनफैक्ट विंटर्स में भी यहाँ पे स्नो होती है तो लोग वहाँ पे जाते हैं, स्नो का जो वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है उन्हें, ऊपर से जो ट्रैक वो 22-21 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ते हैं तो दैट वाज जस्ट अमेजिंग। तो बेसिकली यही है इस वीडियो में कि आप देख भी लें वहाँ पे कि किस तरीके से उन्होंने अब वहाँ पे, जब वो अभी केदारनाथ धाम का जो डिज़ास्टर हुआ था उसके बाद किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मॉडिफाई किया, किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मंदिर को और जो रास्ते हैं वहाँ पे ट्रैक का रास्ता है कितना किस तरीके से अच्छा हो गया है, और अब जाना वहाँ पे काफ़ी सेफ है। तो गाइस आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए और मस्ट विज़िट वंस इन अ लाइफ, आप वहाँ पे जाइए और देखिए किस तरीके से वहाँ पे डिज़ास्टर के बाद उन्होंने मैनेज किया है, किस तरीके से व्यवस्था है। कुछ अपने ट्रिप की डिटेल्स मैं ऐसे ही यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आगे जो दो वीडियोस में आगे दो जस्ट स्टार्टिंग में ही 2 स्लाइड्स हैं उसमें मैंने अपने ट्रैवल की डिटेल्स और एक्सपेंसेस की डिटेल लगाई है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कितना खर्चा लगता है। हम 6 लोग गए थे यहाँ से, ऋषिकेश से हमने स्टार्ट किया था ट्रिप, 6 लोग गए थे हम यहाँ से, 2 बजे गए थे और वहाँ हमने सीतापुर एक जगह है, हम सीतापुर गए थे ऋषिकेश से, यहाँ से ऋषिकेश हमने ट्रैवल शुरू किया था। सीतापुर में हमारा स्टे था, नाइट स्टे था, तो हमने यहाँ से 2 बजे शुरू किया था, सीतापुर हम लगभग 8 बजे पहुँच गए थे। सीतापुर जगह इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो गौरीकुंड जहाँ पे से ट्रैक शुरू होता है केदारनाथ का, इट्स जस्ट 7 किलोमीटर्स और 5 to 6 किलोमीटर्स फ्रॉम गौरीकुंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड योर ट्रैक फॉर टू केदारनाथ मंदिर। सो वहाँ पे से स्टार्ट किया हमने, फिर सीतापुर से हम मॉर्निंग में 5 o'clock हम वहाँ से मॉर्निंग में निकले और गौरीकुंड हम पहुँच गए थे आपका 20 मिनट्स में। तो हमने जो अपना ट्रैक स्टार्ट किया, हमने अराउंड 6 o'clock हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया और हम वहाँ जो केदारनाथ टेम्पल है, हमने यहाँ पे GMVN का गेस्ट हाउस अपना बुक किया था, तो प्री बुक था वो, 20 डेज पहले हमने बुक कर दिया था। तो उसमें वहाँ पे हम पहुँचे 6 o'clock, हमने ट्रैक शुरू किया था एंड हम 12 o'clock जो हम ज़्यादा मतलब फिट थे वो तो 12 o'clock पहुँच गए थे, बाकी जो थोड़ा हेल्दी थे वो 40 मिनट्स बाद मतलब 1 बजे लगभग वो वहाँ पे हमारे गेस्ट हाउस में पहुँच गए थे। गेस्ट हाउस जो हमारे जीवन का था वो करीब 300 मीटर्स फार फ्रॉम द टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, तो हमने फिर वहाँ पे ही स्टे करा। इवनिंग में हम वहाँ पे जब पहुँच गए थे 12 बजे,
उसके बाद हमने रेस्ट लिया अपने रूम पे। आप रूम की फ़ोटोज़ भी हैं, फ़ोटोज़ नहीं वीडियो भी है रूम की, मैंने बनाई है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा रूम किस तरीके से अवेलेबल रहते हैं और किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें होती है। बस थोड़ा ये है कि वहाँ पे एक्सपेंसिव है, खाना एक्सपेंसिव है। हमारा GMBN का जो रूम था वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, और बस 300 मीटर्स ही दूर था। बेसिकली तो वहाँ पे फिर फ्लैट है, फ्लैट मतलब आपको ट्रैक जो करना है 300 मीटर, वो फ्लैट है, वो इट्स नॉट स्टीप, मतलब चढ़ाई नहीं है वहाँ पे। और तो आप बेसिक आप 15 मिनट्स में पहुँच जाएंगे मंदिर में, तो अच्छा है वहाँ पे। GMBN के गेस्ट हाउस वहाँ पे काफ़ी हैं, तो आप वहाँ पे स्टे करें। और वहाँ पे आप अगर आप वहाँ पे ट्रैक करने में असमर्थ हैं, मतलब कोई फैट मोटा आदमी है या किस मतलब इस तरीके से कोई पर्सन है जो ट्रैक नहीं कर पाता, तो उसके लिए फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल है वहाँ पे। आप हॉर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे हॉर्स में ही अपना वो कर सकते हैं, जो हॉर्स का पड़ता है। बेसिकली अगर आप बार्गेनिंग करेंगे, जैसे बोलेंगे तो ज़्यादा, पर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 3,000 2,500 3,000 तक आपको वो एक साइड का कर देंगे। तो हॉर्स भी अवेलेबल है बाकी। और जो दूसरा सबसे फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो चॉपर है। वहाँ पे चॉपर अवेलेबल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वो सीतापुर से और गौरीकुंड के बीच में आपको काफ़ी कंपनीज़ है, 2-3-4 कंपनीज़ है वहाँ पे। हिमालयन है और भी एक दो और हैं जो ये चॉपर फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, तो आप चॉपर से जा सकते हैं वहाँ पे। वन साइडेड का जो रेंट लगता है, जो चार्जेस हैं चॉपर के, वो 2400 से 2500 है। बोथ साइड आप अगर जाएंगे करेंगे चॉपर से आना जाना, तो 5000 अप्रोक्स आपको लगेगा। तो बेसिकली यही है। अब बाकी जो डिटेलिंग है वो मैंने आगे वीडियो में आपको दी है, और जस्ट जिस तरीके से सीनरीज हैं, जिस तरीके से मौसम था, और जिस दिन मैं गया था उस दिन वेदर बहुत अच्छा था, धूप थी वहाँ पे निकली हुई, तो काफ़ी एंजॉय भी किया, ट्रैक में मज़ा भी आया। तो आप अब जस्ट पूरी वीडियो देखिए गाइज, और एंजॉय करिए, जस्ट फील द ग्लिम्स ऑफ द नेचर, और आप जस्ट वीडियो को देखिए, मज़े कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिका ठमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिंब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ठग 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय
सहस्र लोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठ भुभुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकं नमन्निलिंप नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिकाध गद्ध गद्ध गज्ज्वल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहू निशीथि नीतम प्रबंध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरी धर स्तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे जयद्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभाल हव्यवाढि मिद्धि मिद्धि मिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव स्पृशद्विचित्रकल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो हुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिंप निर्झरी निकुंज कोट रेवसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिंबहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कल शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्धि नेति सततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनं